Hi, I'm Mala. Hi, Gauri. मैं आपकी पार्टी मैनेज कर रही हूँ. I hope you'll enjoy your stay with us. Excuse me. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है. ये तो क्या नाम था उसका? रतन. पर वो कहाँ वो और कहाँ मल्हार. तू भी क्या सोच रही है गौरी? Excuse me. Hi. I'm Mal'har. Hello, Mr. Mal'har. How are you? I'm good, thank you. I'm Diya. Diya? बहुत ही प्यारा नाम है. बिल्कुल आपकी तरह. थैंक यू मिस्टर मल्हार. नो सीरियसली, आई मीन इट. पार्टी में एंटर करते ही मेरा पहला ध्यान आपकी की तरफ गया. एंड आई मस्ट से यू आर वेरी अट्रैक्टिव. बाय द वे, थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस पार्टी. थैंक यू सो मच मिस्टर मल्हार. यू कैन कॉल मी मल्हार. ओह ग्रेट, आप भी मुझे दिया बुला सकते हो. सो दिया, क्या करती हैं? मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया है एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर माई ओन बिजनेस. वाह, दैट्स ग्रेट. आपसे मिलने के बाद आई मस्ट से आप बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं. एंड आई एम श्योर आप फ्यूचर में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनेंगी. और मैं हमेशा से ही टैलेंट की कदर करता हूँ. ओह, दैट्स सो काइंड ऑफ यू सर. थैंक यू सो मच. वी हैव अ बिजनेस प्रपोजल फॉर यू. मेरा बिजनेस प्लान बिल्कुल रेडी है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ काम कर सको. आई विल बी लकी इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट. सो आप कब बताना चाहेंगे मुझे अपने बिजनेस के बारे में? स्ट्रेट अवे. मेरा बिजनेस प्लान बिल्कुल रेडी है, बट द प्रॉब्लम इज वो यहाँ पे नहीं, घर पे है. सो इफ यू डोंट माइंड, हम अभी चल के वो देख सकते हैं. एंड इफ यू अग्री, तो कर भी सकते हैं. वाओ, रियली? यस, श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स गो. ओके, लेट्स गो. तुम यहीं वेट करो, बी कंफर्टेबल. मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए और साथ में बिजनेस प्रपोजल के पेपर्स लेकर आता हूं. ऑलराइट. आवाजें कैसी? आज मैं शहर के नए हैंडसम गुड लुकिंग बिलियनर से मिली, मिस्टर मल्हार. कहाँ का रहने वाला है? वो तो पता नहीं, शहर में नए हैं. लेकिन पता है क्या माँ, उसे देखकर मुझे उस अजीब से बदसूरत रतन की याद आ गई. अरे अभी तो तुमने बोला कि मल्हार खूबसूरत है, नौजवान है, और वो रतन. हाँ माँ, फिर भी उसे देखकर ना मुझे उस रतन की याद क्यों आती है माँ? पता है आज भी वो पहली मीटिंग याद करके ना मैं बहुत डर जाती हूँ. मिस्टर मल्हार भी उस रतन की तरह चलते चलते झुकते हैं, जैसे कोई कुंभ निकला. पर बेटा, उस रतन और इस मल्हार का क्या मुकाबला? तू किसको किससे जोड़ रही है? माँ मैं खुद हैरान हूँ कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया कैसे. मिस्टर मल्हार जैसे दिखने वाला लड़का मुझे उस
उस डरावने रतन की याद कैसे तरह सकता है? दरवाजे के पीछे कोई तो है। कौन? कोई भी तो नहीं है? नहीं, कोई तो उस दरवाजे के पीछे से रो रहा है। अरे बाबा, ये सब तुम्हारा वहम है, कोई नहीं हो। लो, ये जूस पियो। मुझे नहीं पीना ये। और ये तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों पकड़ा हुआ है? मैं तो सोचा था तुम्हें थोड़ी कम दर्द वाली मौत था। पर अगर तुम दर्द वाली मौत चाहते नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। मुझे पता है कि तुम सब हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं आ पाओगी और यहीं बंद रहोगी। मैं जानती हूँ तुम इन आत्माओं से तंग आ गए हो, ये तुम्हें बहुत परेशान भी करती हैं। ये वही सुंदर लड़कियों की आत्मा है जिनका खून तुमने पिया है। भला ये तुम्हें छू नहीं सकती, पर तुम्हें नुकसान जरूर दे सकती हैं, जैसा इन्होंने पहले भी किया है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम इन आत्माओं से पीछा नहीं छुड़ा सकते। पर हाँ, इस ताले से उन्हें बंद जरूर कर सकते हो। पर याद रहे, अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया का कोई भी ताला इन्हें बांध नहीं सकता। तब ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी और दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मिस्टर मल्हार ने ये पूरा होटल खरीद लिया, पर कल ही तो उन्होंने यहाँ पे पार्टी दी थी और आज खरीद भी लिया। गौरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्हें हमारा होटल अच्छा लगा, उन्होंने खरीद लिया, सिंपल। समझ कैसे आएगा तुम्हें गौरी? मैंने तो ये होटल सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियों के खून के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, मुझे मेरा शिकार आसानी से मिल जाए। तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें भी मरना होगा, जल्दी, बहुत जल्दी। अरे सर, आप इतनी जल्दी? होटल के हैंडओवर की बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, इसीलिए आया। जो सर, आइए ना, प्लीज। अरे आज रिसेप्शन पे कोई नहीं है क्या मैनेजर साहब? वेयर इज माय रूम? निलंजना जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, पर मेरा रूम कौन सा है ये तो बताइए। 104, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। रवि? यस सर। मैडम को उनके कमरे तक पहुँचाओ। मैडम प्लीज। रवि, इसे रहने दो, इस आईने पर एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, और अगर खरोच आ गई ना तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बैग ले लो। ठीक है, आइए। मैनेजर साहब, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। मैडम, लेकिन हुआ क्या? मेरी बेटी दिया, जो आपके यहाँ कल पार्टी हुई थी ना, उसमें आई थी, लेकिन रात भर वो घर नहीं आई, और उसका मोबाइल भी बंद है। सर, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे हेल्प कीजिए। आई एम सॉरी मैडम, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।
पार्टी के बाद सबके सब अपने घर चले गए। नहीं सर, कुछ कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप किसी और वेटर को पूछिए, रिसेप्शन में देखिए, कहीं तो किसी को तो पता होगा। वो लड़की तो कल मल्हार के साथ थी, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं मल्हार को पहले कहीं मिल चुकी हूँ। चौबीस घंटे पूरे होने वाले हैं और मुझे उससे पहले किसी सुंदर लड़की को ढूंढकर उसका खून पीना होगा, नहीं तो मेरा चेहरा फिर से वैसा बदसूरत बनने लगेगा। और वो गौरी भी नजर नहीं आ रही, उसे तो मरना है, पर अभी जल्दी किसी और को ढूंढना होगा। देखिए, मुझे किसी भी हाल में अभी इस होटल से निकलना है। देखिए, मुझे गोड़बंद रोड के लिए टैक्सी चाहिए, मुझे बहुत जरूरी काम है वहाँ पर। सोया मैम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त आपको कोई भी टैक्सी नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी बट यू विल हैव टू वेट टिल टुमारो। मिल गए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ, वैसे भी उधर ही जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर मल्हार, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है वहां पर, मैं अभी अपने बैग्स लेकर आती हूँ। श्योर। आप हर बार जब इस होटल में आती है तब मैं ही तो आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार आती हूँ ना, तो मुझे लगा शायद भूल गए होंगे। गुड, चलो अब मैं इस मिरर को इसकी जगह लगा देती हूँ, सबके हाथ लगाने की चीज नहीं है ये। अब तुम जा सकते हो। ओके मैम। जरूर था, मैंने उसे अपने आईने में देखा था, और मेरा आईना कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। मेरे आईने में बुराई और बुराई का हर एक अंश दिख जाता है, और यकीनन यकीनन ये कोई बुराई का ही प्रतीक था। लेकिन ये था कौन और इस होटल में क्या कर रहा था? ये मेरा घर और मैं तुम्हें यहां लाया हूं क्योंकि तुम्हें यहां लाना बहुत जरूरी था। अब होटल में तो तुम्हें मार नहीं सकता ना। जा रही हो, मेरी शक्ल देख रही हो, तुम ही मेरे मर्द की दवा हो।
अगर तुम चली गई तो मैं बदसूरत हो जाऊंगा और वो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बदसूरती बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अजीब सा था, यूं झुक-झुक के चलता है जैसे कुबड़ा सा हो, बहुत ही खतरनाक, अजीब सी शक्ल वाला। मैनेजर साहब, याद कीजिए, शायद आपके होटल में ऐसा कोई भी आदमी हो, किसी कमरे में शायद पहले रुका हो या फिर अभी रुका हो। आई एम सॉरी मैडम, हमारे होटल में ऐसा कोई भी गेस्ट नहीं है और नहीं किसी ने ऐसे किसी आदमी को कभी देखा है। लेकिन यकीन मानिए मैनेजर साहब, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, वो बहुत ही खतरनाक है। उसे अपनी आंखों से देखा है, बहुत ही अजीब सा आदमी है वो, टेढ़ा मेढ़ा सा है, कुबड़ा सा है और बहुत ही गंदा दिखने वाला आदमी। और उसका चेहरा बहुत ही अजीब है। वो ना हो, ये रतन की ही बात कर रही है, पर रतन यहाँ कैसे आ सकता है? किसी ने भी उसको यहाँ नहीं देखा, वो तो बुखारा में रहता है। और सुना तो ये है कि वो कहीं बाहर लोगों के बीच आता जाता भी नहीं था, फिर इन मैडम ने उसे यहाँ कैसे देख लिया? दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है। I'm sorry. पर मैनेजर साहब, मैं गौरी, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। गौरी, सावधान रहना, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। मैं महसूस कर सकती हूँ। क्या मेरे साथ? क्या आप क्या बोल रही हैं? क्या होने वाला है मेरे साथ? वो मैं वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन अभी उस इंसान को ढूंढना बहुत जरूरी है। वो बहुत ही अजीब सा था, ऐसे झुक-झुक के चलता है, कुबड़ा सा। क्या इसने मुझे देखा, असली बसुरा रतन को? पर कैसे? मुझे इसका भी इलाज करना होगा, जल्द से जल्द। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप उस आदमी के बारे में जानते हैं जिसे मैं खोज रही? जी, मैं जानता हूं। बहुत यातनाएं दी हैं उसने मुझे, दुखी कर रखा है।
मैं खुद बहुत परेशान हूं उससे, पर उसके बारे में मैं आपसे यहां बात नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेरे साथ इस होटल से बाहर चलना होगा, कहीं और। ठीक है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो आदमी नॉर्मल नहीं है। वो आपके इस होटल में कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। उसको रोकना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा। पर वो है कौन? उसके बारे में मेरे से बेहतर वाला कौन जानता होगा। फिलहाल हमें यहां से चलना होगा, बाकी ये बातें बाद में करते हैं। आपके यहाँ कल पार्टी हुई थी ना, उसमें आई थी, लेकिन रात भर वो घर नहीं आई। कुछ बुरा होने वाला है अब। अब बताइए, आप क्या जानते हैं उस कुबड़े हुए आदमी के बारे में? पहले आप ये बताइए कि उससे छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? मैं उसे पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके घर से और आपके आसपास रहने वाले लोगों से दूर जरूर कर सकती हूँ। ये आवाज कैसी? किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये आपके घर से कैसे रोने की आवाज आ रही है? ये सभी औरतें तुम्हारी बदकिस्मती पर रो रही हैं। कुछ इस तरह चलता था ना वो आदमी, कुछ ऐसे से करता था वो, तभी इतना सा। लेकिन फर्क इतना है कि वो आदमी तुम्हारे आईने में असूरत दिखता था और मैं सुंदर। ये तो रतन है। दुनिया का सबसे सुंदर दिखने वाला आदमी, राइट? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इच्छा शक्ति से, और अब उसी इच्छा शक्ति से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ताकि ये बात बताने के लिए तुम जिंदा ही ना रहो। तुम्हारा खून मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं जाने दूंगा। साथ भी ऐसा ही होगा। तूने शादी करने से इनकार किया ना, अब वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
अब वो तेरा खून पिएगा जैसे उसने हम सबका खून पिया। हम तेरी कुछ मदद कर पाते पर उसने हमें कमरे में कैद कर रखा है। तू बच सकती है, भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। मेरा अंदाजा सही निकला, रतन ही मल्हार है। रतन किसी शैतानी शक्ति की वजह से खूबसूरत दिखने लगा है, मल्हार तो कोई है ही नहीं। रतन से शादी के लिए मैंने मना किया था, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार के मेरा भी खून पी जाएगा। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं? तुम्हें लड़ना होगा गौरी, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, तुम्हें उस आदमी को खत्म करना होगा। पर कैसे? अमारा की इच्छा पूरी करने की शक्तियों से। उस जादूगरी ने ही रतन को एक बदसूरत आदमी से एक सुंदर खून पीने वाले शैतान में बदल दिया। अब उस जादूगरनी को खत्म करके ही तुम रतन को खत्म कर पाओगी, और इसके लिए तुम्हें रतन की हवेली जाना पड़ेगा। जाओ गौरी, जाओ।
हेलो, कोई है? कौन हो तुम? मैं मेरे बुरे कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। मैंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं कि उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मेरी वजह से मेरे मालिक विशाल, मालकिन शीना की मौत हो गई और वह हर रोज नींद में आके मुझे डराते हैं। मेरी शक्ल देखो, देखो मेरी शक्ल, कितने रातों से सोया नहीं हूं मैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं ही उन्हें हमारा के पास लेकर गया था। हाँ, और उसी की सजा मिल रही है मुझे। अमारा? अमारा कौन है? प्लीज प्लीज मुझे भी ले चलो, मेरी भी एक इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है, प्लीज मुझे वहां तक ले चलो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें भी मरना है क्या? और अपने दिमाग का इलाज करवाओ, अपनी मौत को मिलने की कोई बात करता है क्या? हमारा मुराद पूरी करने के बदले जिंदगी बर्बाद कर देती है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया ना, तो वो मुझे किसी भी वक्त मार देगा। अगर तुम्हें नहीं आना ना, तुम मत आओ, पर प्लीज मुझे रास्ता बता दो, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। दूसरों की तरह तुम्हारा भी वक्त पूरा होता नजर आ रहा है मुझे। गौरव, गौरव, गौरी कहाँ है? 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 मुझे नहीं पता, हमने नहीं देखा। क्यों नहीं पता? नहीं। गौरी कहाँ है? पता नहीं सर। गौरी, गौरी। शायद ऊपर गई। गौरी, आज तू नहीं बचाएगी, आज रात तुम्हारी बारी। गौरी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हारा ही खून पियूंगा। बाहर निकलो। गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम? छोड़ूंगा नहीं। गौरी, हमारा का घर, के आगे मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें मरना है, तुम अकेली जाके मरो। हाँ, ये पकड़ो, जाओ जाओ। Thank you.
यहाँ आ ही गई। हाँ, आखिर तुम्हारी इच्छा तुम्हें यहाँ ले ही आई। तुम्हें पता है गौरी, हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत जो मैं मांगू। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? तुम तो मुझे कुछ दे ही नहीं सकती, पर हाँ मेरे लिए मर सकती हो। मेरी इच्छा है कि मुझे जीवन दान मिले और रतन को उसका पहले वाला बदसूरत चेहरा। तो मेरी इच्छा के लिए कोई कीमत नहीं मांग सकती हमारा? जब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही नहीं सकती तो मैं तुम्हें मार जरूर सकती हूँ, और रतन का तो मैं कोई नुकसान कर ही नहीं सकती, क्योंकि अमारा का एक कायदा है, जो अमारा की मदद करता है अमारा उसका बाल भी बाका होने नहीं देती। गौरी, तुम्हें गलत जगह एक गलत इंसान से एक गलत चीज मांग रही हो। अब तो तुम्हें मरना होगा गौरी। आकर तुम्हें यहीं आना था मरने। का खून पीकर मैं फिर से अपनी खूबसूरती वापस हासिल करूंगा, और वैसे भी मेरे 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। मार डालो इसे। ये मुझे वापस दे दो, मैं मर जाऊंगी इसके बिना। गौरी, ये मेरे वापस दे दो गौरी। Thank you.
खूबसूरती इंसान की सूरत में नहीं, उसकी सीरत में होती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।